हेलो व्यूअर्स, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का क्या रिलेशन है वेट लॉस के साथ और हम इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़रूर शेयर करना। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? हम जो भी कैलोरीज ले रहे हैं फूड की फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है ताकि हमारी बॉडी के ऑर्गन सारे प्रॉपरली वर्क कर सकें। इस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ताकि ये एनर्जी ऑर्गन्स तक सप्लाई हो जाए। सो इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अगर आप लोग रेस्टिंग पोजीशन में हैं तो तब भी आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कि आपकी बॉडी के प्रॉपरली फंक्शंस काम कर सकें। आपने अक्सर नोट किया हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत सारी कैलोरीज जो हैं वो इंटेक करते हैं और कोई एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, फिर भी हम स्लिम और स्मार्ट हैं, पतले दुबले हैं। और कुछ आपको मिलेंगे जो कहते हैं हम बहुत ही कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करते हैं, फिर भी हम मोटे हैं, हेल्दी हैं। सबके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जिसमें आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक स्लो मेटाबॉलिज्म है और एक फास्ट मेटाबॉलिज्म है। सारा गेम यही है जिसकी वजह से वेट गेन को लोग मेटाबॉलिज्म से कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है। आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है सो आपका वेट गेन होगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्लो हो जाएगी, ब्रेन फंक्शन आपके पुअर हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपके पास ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। आपकी बॉडी आपको खुद नोटिफिकेशन देगी कि आप लेथार्जिक फील करोगे, लेजी फील करोगे, आपको कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा लोगे आप। तो क्या रीज़न बनते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो होने के, क्यों होता है, क्या रीज़न? तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न तो सिर्फ आपकी पुअर डाइट ही है, जिसमें आप प्रोसेस फूड तो नहीं खा रहे, जंक फूड तो नहीं ले रहे बहुत ज़्यादा, आपकी डाइट में प्रोटीन है कि नहीं, ओवर ईटिंग तो नहीं करते, लो कैलोरीज डाइट ले रहे हो, अपनी बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरीज आप सही वक्त पे पूरे नहीं कर रहे हो। द मेन रीज़न, प्रॉपर अपनी बॉडी को जो है ना वो कैलोरीज दे नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे वर्क करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब आपकी कैलोरीज प्रॉपर नहीं होंगी, सही मिकदार में नहीं होंगी, तो आपके ऑर्गन भी वीक होंगे स्ट्रांग होने के बजाय, और वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कैलोरीज बर्न नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लोगे और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे आपके साथ। अक्सर लोग ये करते हैं कि वेट लॉस करने के चक्कर में वो भूखा रहना शुरू कर देते हैं, तो आपने भूखा नहीं रहना, आपकी जितनी बॉडी की रिक्वायर्ड है तो आपने अपनी बॉडी को वो कैलोरीज देनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे आप अपनी बॉडी की कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं। आप अपने बॉडी वेट को सिंपली केजीज से पाउंड में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 केजीज को अपना पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका LBS जो बनेगा पाउंड, वो 132 का बनेगा, और 132 पाउंड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1320 की जो है फिगर आ जाएगी। ये आपकी एक कैलकुलेटेड कैलोरीज है जो आपके ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नींद अगर आप लोग प्रॉपर नहीं लेते हो, अपने टाइम पे नहीं सोते हो, सुबह देर से उठते हो, नाश्ता भी देर से करते हो, ब्रेकफास्ट आप लोग लेते हो, फिर 3 घंटे बाद आप लंच कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। तो कोशिश करें ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आराम से चिल मारें, जो भी टेंशन हो अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखें। आपका जो सोने का टाइम है ना, आप उसको बेहतर कर लें, कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग आप उठें, क्यों उस टाइम पे आपको फ्रेश एयर मिलती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टेबल होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फूड विच विल हेल्प यू टू मेंटेन अ गुड मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ माइक्रोज और मैक्रोज ऐड करने पड़े, जैसा कि प्रोटीन आपकी डाइट में एक अच्छे लेवल में होना चाहिए, एक अच्छी मिकदार में आप प्रोटीन कंज्यूम करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप ले सकते हैं जिंक, आयरन, सिलिशियम, मैग्नीशियम, वाइटामिन डी, दे ऑल आर बूस्ट योर इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म। और ये सारे वाइटामिन्स और न्यूट्रिशंस आपको ऐड करने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त सी चीज़ बता रहा हूँ जो आपने अपनी डाइट में आज से ही ऐड कर लेनी है, जिसमें आपके पास एक चिया सीड होता है, अपनी डाइट में उसको इन करो। और दूसरी, अगर आप ले सकते हो, इंटेक कर सकते हो, तो महीने में एक दफ़ा तो आप एटलीस्ट फ्लैक्स सीड का यूज़ करो। इन सब चीज़ों के अंदर, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये आपको सब इस चीज़ के अंदर मिल जाएगी। एलमंड्स, बादाम आपको जो है बहुत अच्छा काइंड ऑफ प्रोटीन देता है,
फ्लैक्स सीड और ये जो मैंने आपको बताया चिया सीड वगैरह में, ये सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहलाते हैं। इसमें भी आपको प्रोटीन मिल रहा है। आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इसमें आपको फाइबर भी मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखता है। और बादाम में भी फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहलाते हैं ये सब। तो आप इसको कंज्यूम करें, खुद देखेंगे आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, कि एनर्जी जो है बूस्ट लगेगी, आप लेथार्जिक फीलिंग करोगे, आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, आपका दिल चाहेगा कि मैं कोई भी एक्टिविटी करूं, आपका स्ट्रेस लेवल भी अच्छा रहेगा। कम से कम दिन में 10 से 12 बादाम आप खा सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो एटलीस्ट 5 या 6 बादाम आप कंज्यूम करें। और दूसरी बड़ी चीज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है चाय का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो गई है इसके हवाले से, लोग ग्रीन टी की तरफ आते हैं, जो हेल्प भी करेगा वेट लॉस करने में और मेटाबॉलिज्म को भी आपके फास्ट करेगा। तो मैक्सिमम 1 or 2 कप एक दिन में आप ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए, जिसमें आपको मिल जाता है कर्ड और योगर्ट, एप्पल साइडर वेनेगर। इट्स हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म। और आपको अपनी डाइट में एग्स ज़रूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि एग्स में आपको बहुत ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स है और विटामिन डी भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो अपनी डाइट में एग्स ऐड करें, दिन में 2 से 3 एग्स आप नॉर्मली खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। और मज़े की बात, हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। दालचीनी, ज़ीरा, अजवाइन, गार्लिक, ये सब चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड ज़रूर करें, जैसे कि ब्रोकली हो गई, मल्टी विटामिन्स आपको उसमें मिल जाते हैं। पालक है, पालक खाएं आप, भी ग्रीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। लेडी फिंगर हो गई, भिंडियाँ, जिसको आमतौर पर लोग इग्नोर करते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है और वेट लॉस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हरा धनिया, हरा जितना भी मसाला है वो आप अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि इसमें आपको हेल्दी अमाउंट ऑफ फाइबर मिलेगा। और फ्रूट्स में आप क्या लेंगे, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, लेमन जूस हो गया, लाइम जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और गुआवा हो गया, कीवी हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी फ्रूट्स में ऐड ज़रूर करें, ये आपको ज़रूर लेना है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट्स में आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स जो है ना वो सही प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देते हैं और आपकी कैलोरीज को बर्न करना शुरू करते हैं। जो आप फूड खाते हो उसको ब्रेक डाउन अच्छे से करने लगते हैं, ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और इन सब चीज़ों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बताई, इन सारी चीज़ों में वो मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी, वो है पानी, वाटर। देखें, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें फ्लूइड चाहिए होता है, और वो है हमारा फ्यूल, वाटर। अगर आप अच्छे से अपने आप को वाटर फुलफिल करते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं अपने आप को, तो ये सारे प्रोसेस आपके इजी हो जाएंगे। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है जब बूस्ट करने के लिए। तो यू शुड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, मेक श्योर दैट। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आपका एम है कि आपने वेट लॉस करना है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में यूज़ करो और अपने गोल्स अचीव करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए, और आपको अपने रिजल्ट मेक श्योर होते हुए नजर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एक्टिव वे।